यहाँ पे हिंदुस्तान का ये आखिरी गांव जो है, और ये दुकान आंटी की, इनसे बारे में पूछते हैं आंटी जी, थोड़ा सा बताइए आंटी यहाँ के बारे में। आखिरी गांव है माना गांव इंडिया का, यहाँ से आगे 65 किलोमीटर आगे बॉर्डर है, वहाँ पे हमारी आर्मी और आईटीबीपी जवान तैनात है। 65 किलोमीटर आगे वहाँ तक गाड़ी जाती है हमारे यहाँ पे। और क्या बताएं यहाँ का, और मतलब यहाँ तो काफी ठंड होती होगी बहुत ठंड, नवंबर अक्टूबर लास्ट से बर्फ गिर जाती है यहाँ पे, क्योंकि अभी से इतनी सर्दी है तो यहाँ पे नवंबर से तो बहुत ज्यादा। हम 14 नवंबर को हमारे भगवान जी का कपाट बंद होता है, जो हमारे क्षेत्रपाल है घंटाकंद जी, उनका कपाट बंद होता है 14 को, 15 को हम जो है पूजा करके मंगलेश्वर का यहाँ से चलते हैं। यानी कि आपका जीवन बड़ा कठिन जीवन है। कठिन जीवन है बहुत ही, जैसी पहाड़ है ना, वैसी पहाड़ सी हमारी जिंदगी जीवन भी है। ये चीजें हम पहाड़ से लाते हैं, कहाँ 6-7 किलोमीटर से तो ये तुलसी लाते हैं, 8-10 किलोमीटर दूर से ये तड़का, 12-15 किलोमीटर से ये पत्थर चट्टा लेके आते हैं, तो इनको लाके छीलना, सुखा काटना, सुखाना, तो फिर पैकेट बना के बेचते हैं। यहाँ के जो आदमी है बड़े मेहनती होते हैं, मेहनती होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, उन्हीं बिचारों की वजह से हम सुरक्षित हैं यहाँ पे। आर्मी आईटीबीपी यहाँ पे तैनात है, हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी यही पहाड़ सी जीवन है, बहुत कठिनाई भरी जीवन है। खाना पीना तो चलो बदली विचार की तरह, वहाँ से दुकानें हैं यहाँ पे, दुकान नहीं होती पर की लड़के, लेकिन ये चीजें जो हम काम करके लेके आते हैं, बहुत सुबह सवेरे 4 बजे उठ के जाते हैं, तो ये तुलसी लेके हम 12 बजे को आते हैं, इसको लेके हम 4-5 बजे लेके आते हैं। बड़ा संघर्ष बड़ा जीवन है आंटी का जो है, पहाड़ों में रहते रहकर भी बड़ा पहाड़ सा ही जीवन है, पहाड़ सा ही जीवन है जो है। हमने इनके बारे में, ये किस काम आती है आंटी? ये पथरी की दवा है, किडनी में पथरी होगी तो इसको भिगो के पी सकते हैं। हमने आंटी से यहाँ के बारे में नॉलेज लिया, हमें बहुत अच्छा लगा आंटी से मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद आंटी आपका। अच्छा आंटी।